सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं यूरोपा यूरोपा के बारे में। ये कहानी है सोलेक नाम के एक यहूदी लड़के की, जो दूसरे विश्व युद्ध के बीच जर्मन्स के बीच फंस गया था और उसे लगता था कि अब जर्मन्स उसे मार देंगे। इसीलिए वो अपनी पहचान को छुपाने लगा और वो किसी को पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो एक यहूदी है। फिर वो एक जर्मन की लाइफ जीने लगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बच्चे को देखते हैं जो अभी अभी पैदा हुआ है और इसका नाम है सोलोमन पेरेल और सब इसे सोलेक कहते हैं। और सोलेक के पैदा होने से उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तब यहाँ एक पादरी बताता है कि सोलेक और हिटलर का डेट ऑफ बर्थ एक ही है। तब इस बात को सुनने के बाद ये लोग ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि ये सारे लोग यहूदी हैं। और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और अब देखते ही देखते सोलेक 13 साल का हो जाता है। फिर जब वो नहा रहा होता है तभी वो देखता है कि हिटलर की यूथ पार्टी बाहर मार्च कर रही है, इसीलिए वो भी खिड़की से बाहर देखने लगता है। तभी एक बच्चा उसे देख लेता है और देखने के बाद वो उसे चिढ़ाने लगता है। तब सोलेक भी उसे चिढ़ाता है और लोग ऐसे ही चले जाते हैं। तभी हम सोलेक की बहन को देखते हैं जो उसे जाकर के कहती है कि तुम्हें जल्दी से नहा लेना चाहिए। तभी बहुत सारे हिटलर के पार्टी वाले अब पत्थर मारने लगते हैं सोलेक के घर पे, क्योंकि ये लोग यहूदी हैं। और अब इसे देख करके सारे लोग डर जाते हैं। तभी इनके घर पे हमला हो जाता है और सोलेक इस चीज को देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो नंगा ही खिड़की से बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर के एक बैरल के नीचे छुप जाता है ताकि उसे कोई भी ना देख पाए। और ऐसे ही शाम हो जाती है। तब एक लड़की आती है बैरल के पास और वो कहती है कि सारे लोग जा चुके हैं, इसीलिए तुम्हें भी चले जाना चाहिए। तब सोलेक कहता है कि क्या तुम घर से मेरे लिए कपड़े ला सकती हो। तब वो लड़की कहती है कि तुम यहूदी हो और तुम्हारे घर में हमें जाना अलाउड नहीं है। तभी उस लड़की को यहाँ पे नाजियों के कपड़े नजर आते हैं, इसीलिए वो उन कपड़ों को ला करके दे देती है अब सोलेक को। और सोलेक कपड़े पहनकर जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है उसे पता लगता है कि उन लोगों ने उसकी बहन को मार दिया और अब यहाँ के हालात और बद से बदतर होने वाले हैं। इसीलिए सब परेशान हो जाते हैं और ये लोग पोलैंड जाने लगते हैं, क्योंकि पोलैंड में ही इनके पिता का जन्म हुआ था। और पोलैंड पहुंचने के बाद अब ये लोग वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। और इनके घर के पास ही एक मूवी थिएटर होता है जिसे एक महिला चलाती है और वो महिला सोलेक को बहुत पसंद करती है, इसीलिए सोलेक अपना ज्यादातर समय वहीं पे बिताता है। तभी विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और सब डर जाते हैं, इसीलिए सोलेक के पिता उसे और उसके भाई को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं और ये लोग सुबह सुबह यहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो थिएटर वाली महिला उन्हें देख लेती है और वो उन्हें गुड बाय कहती है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा भावुक भी हो चुकी है। फिर भी सोलेक अपने भाई के साथ यहाँ से निकल जाता है और जल्दी ये लोग पहुँचते हैं नदी के किनारे जहाँ पर ये लोग बोट से उस पार जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि ये दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग अलग बोट पे बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग बीच रास्ते में पहुंचते हैं इन्हें पता लगता है कि बाहर रशियन आर्मी खड़ी है, यानी कि रेड आर्मी, और नाजियों से तुरंत उनकी भिड़ंत होने वाली है, इसीलिए वहां पे जाना खतरे से खाली नहीं है। तब इस बात को सुनने के बाद अब लोगों में बहस होने लगती है। कुछ लोग जाना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए जो नहीं जाना चाहते हैं वो पानी में कूदने लगते हैं। इसीलिए अब ये लोग धक्का दे देते हैं सोलेक को भी पानी में और सोलेक पानी में डूबने लगता है। तब रशियंस उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन सोलेक ऐसे ही किनारे पे बैठा रहता है और अपने भाई का इंतजार कर रहा होता है और समय ऐसे ही निकलते जाता है। लेकिन बहुत देर के बाद सोलेक को रियलाइज होता है कि अब उसका भाई नहीं आएगा, इसीलिए वो रशियंस के साथ चला जाता है और सोलेक को यहाँ के अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता है जहाँ पे वो बहुत सारे बच्चों के साथ रहता है। लेकिन अभी भी वो पोलैंड अपने पिता के पास खत लिखता है। तब उसके पिता बताते हैं कि वो लोग अभी भी सही सलामत हैं, लेकिन वो कितने दिनों तक सही सलामत रहेंगे इसका कोई भी उन्हें अंदाजा नहीं है, इसीलिए जल्दी उन्हें भी जगह बदलनी है। फिर सोलेक यहीं पे रहने लगता है। तब जल्दी उसका इंटरव्यू होता है और सारे लोग उससे पूछने लगते हैं कि वो कहाँ से आया है और उसके पिता का पूरा नाम क्या है और उसके पिता क्या करते हैं। तब इन शब्दों में सोलेक फंसने लगता है। तब यहाँ की एक लेडी उसकी मदद करती है और सोलेक को अभी भी यहाँ पे रहने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है एक लड़का उस पर हमला कर देता है और उसे लड़ने लगता है और कहता है कि तुम एक पागल यहूदी हो। और अभी ये लोग लड़ ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे एक सिपाही आ जाता है और वो इन दोनों को अलग करता है। तब इनकी क्लास होने लगती है और इन्हें बताया जाता है कि ईश्वर होता ही नहीं है। तब एक पोलिश बच्चा यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और ये वही बच्चा है जो थोड़े समय पहले यहाँ पे लड़ रहा था सोलेक से। तब उसकी टीचर उसे ईश्वर से दुआ करने के लिए कहती है और वो ईश्वर से दुआ करने लगता है। तभी देखते ही देखते यहाँ की सारी छत टूटने लगती है और जल्दी सबको पता लगता है कि जर्मन्स ने अब रशिया पे हमला कर दिया है और वो इस बिल्डिंग पर भी हमला कर रहे हैं, इसीलिए सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं और जल्दी ही जर्मन से यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, इसीलिए सब लोग भाग रहे होते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें लगता है कि अब वो जर्मन से बच गए हैं, लेकिन जल्दी इनके ऊपर अब एयर स्ट्राइक होता है। फिर जर्मन सारे लोगों को पकड़ लेते हैं और वो एक एक करके यहूदियों को अलग कर रहे होते हैं और उन्हें अलग वैन में डालते हैं। और इसी बीच वो सोलेक के पास भी जाते हैं और उसे भी यहूदियों के बस में डालने लगते हैं। तब सोलेक यहाँ पे जर्मन बोलने लगता है और कहता है कि मैं एक जर्मन हूँ, लेकिन मैं इतने दिनों से यहाँ पे अनाथ आश्रम में रह रहा था, मैं यहूदी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तब इसकी जर्मन की फ्लुएंसी देख करके उन्हें लगने लगता है
कि ये भी एक जर्मन है और सोलेक रशियन भी बहुत अच्छी बोलता है। तभी एक सिपाही उसे लेकर के जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक रशियन की बातों को ट्रांसलेट करके मुझे बताओ। और अब सोलेक उसकी मदद करने लगता है। तब इन लोगों को पता लगता है कि एक और सिपाही जिसे ये लोग यहूदी समझ रहे थे वो यहूदी नहीं है बल्कि इनका दोस्त है। इसीलिए वो लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि सोलेक की वजह से एक आदमी की जान बच गई। इसीलिए अब वो लोग सोलेक की तस्वीर खींचते हैं और उसे अपना लकी चार्म कहते हैं और उसे लेकर के यहाँ से जाने लगते हैं। फिर जैसे ही ये लोग कैंप में पहुंचते हैं हम उसी पॉलिश बॉय को देखते हैं और वो जैसे ही सोलेक को देखता है जर्मन के साथ तब वो रशियन में चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि ये एक यहूदी है लेकिन कोई भी रशियन भाषा को नहीं समझ पाता। तभी उसके पास सोलेक आता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। तब वो सोलेक पे हमला करने लगता है। इसीलिए सारे जर्मन पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं और वो लड़का ऐसे ही भागते जाता है। तभी एक ट्रक आकर के उसे कुचल देता है और इस चीज को देखने के बाद अब सोलेक बेहोश हो जाता है। लेकिन अब सोलेक को भर्ती कर लिया जाता है जर्मन सेना में और वो दिन भर सेना के जवानों के साथ रहता है। लेकिन वो इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि किसी को भी पता ना लगे कि वो एक यहूदी है। इसीलिए वो जब भी नहाता है या फिर पेशाब करता है तब वो छुप के करता है कि कोई भी उसके लिंग को ना देख ले वरना उन्हें पता लग जाएगा कि ये एक यहूदी है। लेकिन अब सोलेक इनके साथ ऐसे ही रहने लगता है। तभी एक दिन जब वो उनके साथ घूम रहा होता है तब वो देखता है कि दो बच्चों को लटका के मार दिया गया है। तब जर्मन उसे बताते हैं कि ये सब कुछ रशियंस ने किया है और इस चीज को देखने के बाद अब सोलेक सोच में पड़ जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि कौन लोग अच्छे हैं और कौन लोग बुरे हैं। इसीलिए वो रात में अपने आईडी कार्ड को जलाने लगता है। तभी उसके पास रॉबर्ट नाम का एक सिपाही आता है और वो इससे बातें करने लगता है और बातों ही बातों में बताता है कि वो एक एक्टर है। तब ये बात सोलेक को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि सोलेक भी कभी एक्टर बनना चाहता था। लेकिन अगले दिन जब सोलेक नहा रहा होता है तभी रॉबर्ट आकर के उसे छूने लगता है क्योंकि रॉबर्ट समलैंगिक है। लेकिन अब सोलेक डर जाता है और वो छुपने लगता है। लेकिन अब रॉबर्ट उसके लिंग को देख लेता है और वो समझ जाता है कि सोलेक यहूदी है। तब सोलेक और भी ज्यादा डर जाता है लेकिन रॉबर्ट उसे समझाने लगता है और कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम यहूदी हो और मैं समलैंगिक हूँ और जर्मन हम दोनों से एक समान नफरत करते हैं इसीलिए हम दोनों के पास एक दूसरे का राज एकदम महफूज है। फिर ये दोनों शांत हो जाते हैं और अब इनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन जल्दी ही जब यहाँ पे युद्ध होता है तब इसी बीच रॉबर्ट की मृत्यु हो जाती है और सोलेक के और भी कई सारे दोस्त मारे जाते हैं जिनके वो गरीब था। और अब रशियन इन पे ऐसे ही हमला करते रहते हैं और वो लगभग सारे लोगों को मार देते हैं। तब सोलेक डर जाता है और वो रशियन से कहता है कि वो सरेंडर करना चाहता है। तब रशियन उसे इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अपने बंदूक को अपने हाथ में लो और सीधा हमारी तरफ चल करके आओ और हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और सोलेक भी ऐसा ही करता है और वो बंदूक लेकर के उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है बेखौफ। तभी वो देखता है कि सारे के सारे रशियन को यहाँ पे जर्मन्स ने पकड़ लिया है और अब सारे जर्मन्स को लगता है कि सोलेक अकेला जा रहा था रशियन से लड़ने वो भी बेखौफ। इसीलिए जर्मन्स बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं सोलेक से और हर जगह उसके नाम के बारे में चर्चा होने लगी है। तभी उसे आकर के यहाँ का कमांडर मिलता है और कहता है कि तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, मैं तुम्हें जर्मनी के सबसे इलीट स्कूल में भेज रहा हूँ और एक दिन मैं तुम्हें गोद भी लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। और अब इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पे सोलेक भी खुश हो जाता है और वो जल्दी ही पहुंचता है उस स्कूल में जहाँ पे सबसे पहले उसे कसम दिलाई जाती है कि उसे जर्मनी के लिए क्या क्या करना है। फिर अब यहीं पे रहना शुरू कर देता है सोलेक और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है लेनी और लेनी यहाँ पे सर्वर है। लेकिन जब इनकी क्लास चल रही होती है तब एक दिन यहाँ पे एक टीचर आता है और वो बताता है कि मैं तुम्हें ऐसी तकनीक बताऊंगा जिससे तुम लोग दूर से ही यहूदियों को पहचान लोगे। और इतना कहने के बाद वो आगे आने के लिए कहता है सोलेक को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और सोलेक भी चला जाता है। तब वो सोलेक की आंखों का कलर देखता है और उसके सर का माप लेता है और सब चीज देखने के बाद कहता है कि सोलेक एक मिक्स ब्लड है लेकिन वो एक जर्मन है। तब इन चीजों को सुनने के बाद सोलेक के जान में जान आती है और वो ऐसे ही यहाँ पे रहना शुरू कर देता है और वो धीरे धीरे लेनी के करीब जाने लगता है और लेनी भी उसे चाहने लगती है। लेकिन लेनी के ज्यादा करीब नहीं जाता क्योंकि वो जानता है कि अगर लेनी ने उसे नंगा देख लिया तब वो समझ जाएगी कि ये एक यहूदी है। इसीलिए वो उसे दूर भागते रहता है। और यहीं पर हम इनके दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है गर्ड और गर्ड पसंद करता है लेनी को इसीलिए वो सोलेक से जलने लगता है। लेकिन लेनी अब सोलेक को लेकर के जाती है अपने घर और उसे अपनी माँ से मिलवाती है। तब लेनी की माँ भी यहाँ पे सोलेक को पसंद करने लगती है और कहती है कि ये एक बहुत ही अच्छा बच्चा है। फिर ये लोग साथ खाना खाने वाले होते हैं लेकिन खाना खाने से पहले ये लोग प्रार्थना करते हैं। तब इस प्रार्थना को सुनने के बाद अब यहाँ पे सोलेक रोने लगता है। लेनी की माँ पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो। तब वो कहता है कि मुझे भी अपने घर की याद आ रही है और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने अपने घर वालों के साथ कब खाना खाया था। तब लेनी की माँ उसे आश्वासन देने की कोशिश करती है लेकिन अब लेनी बार बार करीब आना चाहती है यहाँ पे सोलेक के। तब सोलेक बार बार उसे दूर हटा देता है और वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाता है। इसी बीच ये लोग जाते हैं यहूदियों के कब्र के पास। तब लेनी कहती है कि वो यहूदियों से नफरत करती है और अगर उसने कभी किसी यहूदी को देखा तब वो उसी वक्त उसका गला काट देगी। तब इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पे गुस्सा आ जाता है सोलेक को इसीलिए वो लेनी को एक थप्पड़ मारता है। तब लेनी भी गुस्सा हो जाती है और वो सोलेक को नामर्द बोल के यहाँ से चली जाती है। तभी सोलेक सपने में अपनी मरी हुई बहन को देखता है जो उसे कहती है कि तुम्हें अपने परिवार को ढूंढना चाहिए।
इसीलिए अब सोलेक निश्चय करता है कि वो अपने घर वालों को ढूंढेगा और अगले दिन वो बाहर निकलता है और एक बस से जाने लगता है और बस के शीशे एकदम धुंधले होते हैं। लेकिन वो जैसे ही उन्हें साफ करता है उसे बाहर एक औरत नजर आती है और सोलेक को लगता है कि वो उसकी माँ है, इसीलिए वो वापस जाता है। लेकिन वो औरत उसे नहीं मिलती। तब वो बार बार उसी बस से आता है लेकिन वो औरत उसे दोबारा कहीं भी नजर नहीं आती और अब लेनी भी उससे मिलने नहीं आती। इसीलिए सोलेक पहुंचता है एक दिन लेनी के घर पे। तब लेनी की माँ बताती है कि लेनी बहुत ही कम घर पे होती है। तब इस बात को सुनने के बाद अब सोलेक यहाँ से जाने लगता है। तब उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें अंदर आना चाहिए। फिर जैसे ही सोलेक अंदर आता है वो बताती है कि लेनी प्रेग्नेंट हो गई है। तब इस बात को सुनने के बाद सोलेक यहाँ पे डरने लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तब लेनी की माँ बताती है कि लेनी हमेशा से ही प्रेग्नेंट होना चाहती थी ताकि वो एक बेटे को जन्म दे और उसे वो सेना में भर्ती करवाए। तब सोलेक इस बात को डिनाई करने लगता है और कहता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में इन्हें पता लगता है कि वो बच्चा गर्ड का है। इसीलिए सोलेक और भी परेशान हो जाता है और वो लेनी की माँ को बता देता है कि वो एक यहूदी है और इस बात को कहते समय वो टूट जाता है। तब लेनी की माँ उसे संभालती है और कहती है कि तुम जब यहाँ पे पहली बार आए थे तभी मैं पहचान गई थी कि तुम एक यहूदी हो, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी और तुम भी किसी को कुछ मत बताना। तब इन बातों को सुनने के बाद सोलेक यहाँ से निकल जाता है। फिर वो अपने कमरे में जाता है और सबसे पहले गार्ड को पीटने लगता है और कहता है कि तुमने लेनी के साथ ऐसा क्यों किया। तभी यहाँ पे एक सिपाही आता है और वो सोलेक को कहता है कि तुम्हें अधिकारी बुला रहे हैं, इसीलिए अपने सारे के सारे पेपर्स को लेकर के पहुंचो उनके पास। तब सोलेक पूछता है कि कौन से पेपर्स और वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। तब वो अधिकारी कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, वो सिर्फ तुम्हारे कागजात देखना चाहते हैं। इसीलिए अब कुछ कागजात लेकर के सोलेक पहुंचता है अधिकारियों के पास। तब वो आदमी कहता है कि तुम्हारे और कागजात कहाँ पे हैं और तुम जर्मनी के नागरिक हो, वो पेपर कहाँ पे है। तब सोलेक कहता है कि वो पेपर अनाथ आश्रम में रह गया और मैं वहाँ से नहीं ला पाया। तब वो अधिकारी कहता है कि अगर तुमने वहाँ पे छोड़ा है तब मुझे उस बारे में पता लग जाएगा, मैं जल्दी अनाथ आश्रम में खत लिख रहा हूँ। लेकिन अब इस अधिकारी को यहाँ पे सोलेक पे शक हो जाता है, इसीलिए वो उसे कहता है कि जब हमें सच्चाई पता लगेगी तब हम सारे के सारे गद्दारों को इस देश से बाहर कर देंगे, वो भी उन्हें मारने के बाद, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जर्मनी में एक भी गद्दार। तब इन बातों को सुनने के बाद सोलेक डर जाता है और वो बाहर निकलने लगता है। तभी गार्ड उसके पास आने लगता है क्योंकि अब वो भी जान चुका है कि ये एक यहूदी है। तभी रशियंस इन पे हमला कर देते हैं और वो इनके ऊपर बॉम्ब गिराते हैं और देखते ही देखते यहाँ पे गार्ड की मृत्यु हो जाती है और उसके साथ साथ पूरा का पूरा ऑफिस उड़ जाता है और उस अधिकारी की भी मृत्यु हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद अब सोलेक खुश होने लगता है कि अब वो फिर से फ्री है और जितने भी लोगों को उस पे शक था वो सारे के सारे लोग मर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे युद्ध का माहौल बन जाता है, इसीलिए अब सारे के सारे स्टूडेंट्स को सेना में भर्ती दिया जाता है और ये सब लोग युद्ध लड़ने लगते हैं। तब ये लोग सोलेक को गोली चलाने के लिए कहते हैं लेकिन सोलेक नहीं चला पाता। तब वो उसे डांटते भी हैं और वो उसे जबरदस्ती गोली चलवाते हैं और युद्ध ऐसे ही चलते जाता है। लेकिन एक दिन जब सोलेक देखता है कि अब वो मरने वाला है तब वो भाग करके चला जाता है रशियंस के पास और रशियंस उसे घेर लेते हैं। तब वो उन्हें कहता है कि वो रशिया के अनाथ आश्रम में था और वो जर्मन नहीं है। तब वो लोग इसका विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि तुम एक जासूस हो और तुम हमारे साथ जासूसी करने वाले हो। तब सोलेक उन्हें पूरी बात बताता है और कहता है कि मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ किया, मैं रशिया में ही था वहाँ के अनाथ आश्रम में, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ गया और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक यहूदी हूँ, इसलिए मैं कभी भी जर्मन नहीं हो सकता वरना इन लोगों ने मुझे कब का मार दिया होता। तब इन बातों को सुनने के बाद ये लोग बहुत सारे यहूदियों की तस्वीरों को दिखाते हैं और कहते हैं कि जिस सेना में तुम थे देखो उस सेना ने क्या किया यहूदियों के साथ। और इतना कहने के बाद वो लोग एक कैदी को बंदूक देते हैं और कहते हैं कि इसे मार दो। और अब वो सोलेक को मारने ही वाला होता है तभी सोलेक को कोई उसके नाम से बुलाता है और जैसे ही वो मुड़ता है वो अपने भाई को देखता है और उसका भाई यहाँ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में था जो अभी अभी आजाद हुआ है। इसीलिए वो सबको बताता है सोलेक के बारे में और ये लोग सोलेक को छोड़ देते हैं। तब वो अपने भाई के साथ रहने लगता है और सोलेक का भाई बताता है कि इसके माता पिता कब के मर चुके हैं। फिर वो सोलेक की पूरी कहानी सुनता है और कहता है कि ये कहानी किसी को मत बताना वरना कोई भी इस पे विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मुझे तुम पे विश्वास है। और इतना कहने के बाद ये दोनों पेशाब करते हैं और खुली हवा में सांस लेते हैं और अब ये खुले में पेशाब कर सकते हैं क्योंकि अब इन्हें किसी का खौफ नहीं, क्योंकि इनके यहूदी होने से किसी को कोई समस्या नहीं। फिर ये लोग जल्दी इस कैंप से आजाद हो जाते हैं और एक यहूदी की जिंदगी जीने लगते हैं और बिल्कुल भी उसे छुपाने की कोशिश नहीं करते। और समय ऐसे ही बीतने लगता है और अब सोलेक बूढ़ा हो जाता है। लेकिन ये सोलेक वही आदमी है जिसकी जिंदगी पे इस फिल्म को बनाया गया है, यानी कि असली सोलेक। और अब सोलेक यहाँ पे यहूदियों के फोक सॉन्ग को गा रहा होता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।